फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एम विक्रम सिंह आज आप देख रहे हैं पेट्रॉनिक्स कनेक्ट फोर इन वन मल्टीफंक्शनल चार्जिंग केबल 60 वोल्ट का इसका मैक्स आउटपुट है और आप देख सकते हैं इसके आउटपुट का तो जो पोर्ट है वो इसमें आप टाइप सी एंड लाइटिंग केबल देन ये जो चार्जिंग कनेक्टर पे जो लगने वाले अडेप्टर पे वो है यूएसबी एंड टाइप सी का पोर्ट साथ ही साथ जस्ट कनेक्ट फॉर कंपर्टेबिलिटी साथ ही मैम पॉक्ट्रॉनिक्स ऑडियो मोबाइल एसेसरी पी सी एसेसरी कार एसेसरी ऐसा कुछ है और सिक्स मंथ्स की इस पर वारंटी आती है साथ ही में इसका ब्रांड नेम भी आ चुका है और मॉडल नेम है कनेक्ट फोर इन वन एंड देन आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है पी ओ आर नाइनटीन सेवेंटी एट कलर ब्लैक है जेनरिक जो नेम है इसका नाम मल्टी फंक्शनल केबल है और क्वान्टिटी इसकी वन है एम आर पी इस पर ट्रिपल नाइन लिखी हुई है नौ सौ निन्यानवे रुपये और मैनुफक्चरिंग जीरो सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो केबल एब्सोल्युटली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है शानदार है और अब से पहले मैं इसी अब से इससे इसी से चार्ज करने वाला हूँ मैं जो कि अब आप स्क्रीन में देख रहे हैं इससे पहले मैं आईफोन की जो ओरिजिनल केबल है जो कि बॉक्स में आती है और उसी से मैं चार्ज किया करता हूँ जो कि एलेवन के साथ आई थी मेरे क्योंकि मैं केबल्स को बहुत ज़्यादा अवेयर करके रखता हूँ तो एलेवन के साथ जो मेरे केबल आई थी वो केबल आज भी मेरे साथ है और वो चल रही है सेकेंड uh, दिन मेरे के, दो केबल जो ट्वेल्व और थर्टीन के साथ आई वो कट चुकी है तो कटने की वजह से टूट मतलब स्टार्टिंग एजेस थे जैसे यहाँ से टूटने के बाद इस जगह से टूटने के बाद वो डैमेज हो चुकी है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आई फोन की केबल जो कि मैं अभी तक क्लियरली यूज़ कर रहा हूँ अच्छी तरीके से एंड सेकेंड में अब आपको दिखाऊँगा इसके बाद में कि पोट्रॉनिक्स की जो एल शेप आती थी इसमें केवल ऐसे एल शेप आपको दिख रहा होगा ये ऊपर का ऐसा नहीं आता एल शेप आती इस तरीके से तो अब मैं आपको पहले आई फ़ोन एलेवन की केबल से इंट्रोड्यूस कराता हूँ फिर उसके बाद अपन मिलते हैं पोट्रॉनिक्स कनेक्ट फोर इन वन से सो ये आई की केबल जो कि आईफोन 11 के साथ आती थी वही मैं यूज़ करता हूँ फिलहाल तो आप देख सकते हैं ये वाला जो यू ए वाला है ये मैं यूज़ करता हूँ इसके साथ आप देख सकते हैं और मेरा आईफोन 11 के साथ चार्जिंग जो ब्रेक आई थी उसमें भी यही वाला जो यू एस बी ए वाला है मतलब तो टाइप सी तो टाइप सी टू लाइटनिंग वाला नहीं आया था उसमें उस टाइम पे और उस वही एक लास्ट आईफोन था एप्पल की तरफ से जिसमें चार्जिंग साथ आया करता था सो ये वाली केबल अभी तक भी मैं यूज़ कर रहा हूँ आईफोन की ओरिजिनल और ये जब टूट जाएगी तो आई ये पोट्रॉनिक्स कनेक्ट फोर इन वन में यूज़ करने वाला हूँ इसलिए मैंने वो वाला मंगाया ताकि इन फ्यूचर अगर मैं टाइप सी अडेप्टर भी लेता हूँ तो वो मुझे दोनों साइड से सही तरीके से चार्जिंग प्रोवाइड प्रो करा पाएगा सो तो अभी के लिए मैं यूज ये यूज़ करता हूँ और ये चार्जिंग केबल है सो तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ चार्जिंग अडेप्टर जो कि आईफोन फोन एलेवन के साथ मुझे मिला था सो so, ये वो चार्जिंग एडेप्टर है जो मुझे आईफोन 11 के साथ में मिला था और अराउंड फोर ईयर के अराउंड हो चुके हैं मुझे ये, ये यूज़ करते हुए और अभी तक तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर और काफ़ी अच्छे से काम करता है तो टाइप सी ये, ये यू एस बी ए वाला है अब जब भी मैं टाइप सी पे अपग्रेड करूँगा सो तब देखा जाएगा वो ले लिया जाएगा और क्या टाइप सी वाला तो फिर मुझे ये जो केबल है कनेक्ट वाली के कनेक्ट फोर इन वन पोक्ट्रॉनिक्स वो मेरे वहाँ पे भी यूज़ आ जाएगी और ये ओरिजिनल चार्जर है अभी के लिए तो और मैं इसी से मेरा आईफोन एलेवन को भी चार्ज करता था ट्वेल्व को भी चार्ज करता था और थर्टीन को भी कर रहा हूँ सो so, अब अपन मैं आपको दिखा देता हूँ पोक्ट्रॉनिक्स की वो केबल जिसका आपको सभी को इंतज़ार था सो so, केबल को दिखाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सभी जो कि केबल के साइड में सराउंडिंग में मैंने आईफोन की ओरिजिनल केबल पर वो केबल के लिए रबड़ के जो टिप्स आते हैं साइडों में दोनों साइड में लगते हैं केबल के वो ज़रूर यूज़ करें जो कि आपको अपने राइट साइड में दिख रहा हूँ यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ केबल कैसी है सो so ये है वो केबल जिसका आप सभी को इंतज़ार था ये है यू एस बी ए पोर्ट और यू एस बी सी पोर्ट और ये है लाइटनिंग प्लस टाइप सी जो कि अगर मेरे पास अगर आईफोन अभी नए वाला होगा नई जनरेशन का तो मैं टाइप सी भी यूज कर सकता हूँ और अगर हल्का सा फोर्टीन प्रो भी होगा तो मैं टाइप से यूज कर सकता हूँ केबल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यूँ देखी जाए तो और प्रोडक्ट वाइज अगर मुझे फ़र्स्ट टाइम देखने पर लगा तो मैं आपको बताऊँ कि केबल की क्वालिटी अच्छी है और जो यहाँ पे नायलोन ब्रेडेड दी है केबल वो काफ़ी अच्छी दी गई है हालांकि मैं जो पहले केबल यूज़ करता था वो एल चेफ़ वाली जो भी मैं दिखाऊंगा आपको उससे ये नायलोन थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लगा वो थोड़ा सा मुझे स्टडी फील होता था और ऐसा लगता था कि हाँ यार केबल नहीं टूटेगी पर इसमें मुझे थोड़ा सा डर रहता है कि हाँ यार ये टूट नहीं जाएगा कहीं पर सो so, ऐसा कुछ है बाकी ये जो केबल है मतलब लॉन्ग लाइफ केबल है काफ़ी बढ़िया है आप बिल्कुल डेफिनेटली बाई कर सकते हैं इस केबल की मैं एक्चुअल में बात कर रहा था वो ये है जो कि मैं अब तक यूज़ करता हुआ रहा हूँ और ये है एल शेप वाली जो आप देख सकते हैं पहले भी मैंने इसका रिव्यू किया है हालांकि मैं आपको दिखाना ज़रूरी इसलिए समझता हूँ क्योंकि जो भी आप चीज़ बाई करें तो कम से कम वो वेरीफाइड चीज़ होनी चाहिए सो so, ये वेल चेप है जिसको मैं यूज़ करता हूँ फिलहाल कहीं बाहर आउटसाइड जाने के लिए और ये है यू वाला पोर्ट क्योंकि एक्चुअली में मेरे पास अभी मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास आईफोन 11 वाला अडेप्टर है तो ये वाला मैं चार्जिंग पॉइंट जो यूज़ करता हूँ बाकी हालांकि मैंने वो नई वाली केबल इसलिए मंगवाई है क्योंकि अब मैं जल्दी ही आई का ट्वेंटी वोट का चार्जर जो कि आप इधर राइट साइड में देख रहे हैं वो मंगवाने वाला हूँ और ये केबल काफ़ी ज़्यादा स्टडी है मेरी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की है मैंने आईफ़ोन मेरा एस एस नाइन प्लस है, और एस ट्वेंटी टू प्लस मेंस और जितने भी मेरे फ़ोन रहे हैं उन सभी मैंने मैंने में, जैसे टाइप सी का भी एक कैसा मंगवाया था एक ऐसी केबल मंगवाई थी वो काफ़ी लॉन्ग लाइफ चली है मेरे और मतलब अभी तक भी चल रही है टाइप सी वाली केबल और ये तो मैंने इसलिए उसको देखते हुए मैंने ये मंगवाई थी और ये मेरे अराउंड अराउंड वन ईयर हो चुका है इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ है इसकी अगर आपको आपके पास ये वाली चार्जिंग ब्रेक है मतलब अडेप्टर है ओल्ड स्कूल और आप आईफोन यूज़ करते हैं यहाँ पे टाइप सी है मतलब ये वाली जो एल शेप केबल है ना आप टाइप सी टू टाइप सी मंगवा सकते हैं टाइप सी टू लाइट एटिंग भी मंगवा सकते हैं और यूएसबी एस टू लाइटिंग भी मंगवा सकते हैं सो so डेफिनेटली आपको आई ओफ ये वीडियो अच्छा लगा होगा मैंने इसीलिए आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आप जो भी चीज़ बाय करें आई ओफ़ वो अच्छी होनी चाहिए और लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए क्योंकि अपन अपनी मेहनत का पैसा स्पेंड कर रहे हैं इस पर सो so ए सी कुछ ये केबल है इस केबल के लिए वन थाउजेंड परसेंट आप बाई कर सकते हैं कोई इशू नहीं आता है इसमें वन अराउंड वन ईयर तो कोई इशू नहीं है और टूटेगी भी नहीं कर, जैसे भी मैं फुल टेढ़ा मेढ़ा करके यूज़ करता हूँ ऐसे पर इसमें वो जो ब्रिक्स है ना जैसे मैंने अभी आपको इधर राइट साइड में देख रहे होंगे इसके केबल uh, के ऊपर जो ब्रिक्स ब्रिक्स आते हैं रबड़ के वो नहीं लगाने पड़ते जो कि ओरिजिनल केबल में यूज़ करने पड़ते हैं बाकी वो ओरिजिनल केबल इतनी बुरी टूटती है ना अगर आपने वन मंथ भी उसको रफ़ यूज़ कर लिया तो वो वन मंथ की लाइफ भी आपको मुश्किल से निकाल के देगी और ये कैसे भी रफ यूज़ करो काफ़ी ज़्यादा स्टडी केबल है और उससे कई गुना मजबूत है जो कि अभी ये फोर फोर साइज मैंने दिखाई है आपको मैं दिखा देता हूँ दोबारा साफ से ये वाली जो केबल है अब देख लीजिए आप खुद भी फील कर पा रहे होंगे इसको कि ये जो केबल है और ये जो केबल है इसकी स्टडीनेस आप खुद देख लीजिए ये डेफिनेटली इसका वायर भी मोटा है एल जी वाली का और ये फोर कनेक्ट जो ये वाली केबल है इसका ये थोड़ा सा पतला है बाकी नैलो अभी यूज़ करने में पता लगा कि कितनी लाइफ है इसकी कितनी क्या नहीं है हालांकि केबल देखने में अच्छी है और लाइफ आई वो अच्छी होनी चाहिए इसकी बाकी ये वाली केबल आप डेफिनेटली बाई कर सकते हैं और ये वाली तो मैं इसलिए बाई की है क्योंकि आप अगर आईफोन यूज़र हो और कहीं भी फंसना नहीं चाहते टाइप सी चार्जर के चक्कर में या फिर जैसे अडेप्टर में भी टाइप सी आने लग गया आजकल तो उसके चक्कर में तो आप दोनों से यूज़ कर सकते हो और चार्ज कर सकते हो अपने आईफोन को तो ये मैं 24 घंटे अब ट्वेंटी आवर्स अपने बैग में कैरी करने वाला हूँ इसीलिए मैंने इसको बाई किया है थैंक्स आई आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत वंद मातरम